सो हेलो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज अपना अपन हिंदू एनालिसिस आज अपने पास कुछ फाइव हेडिंग्स हैं राइट सो अपनी फर्स्ट हेडिंग थी छोटा सा एक टॉपिक था खरीफ एरिया अंडर पैडी कवरेज डिप्स बाय 1.91 पॉइंट हेक्टेयर्स तो खरीफ के एरिया में कमी आई है ठीक है तो अब अपने लिए इंपॉर्टेंट कैसे हो जाता है कि खरीफ क्रॉप्स क्या होती हैं और खरीफ क्रॉप्स होती हैं तो फिर उसके साथ उसके अगेंस्ट में रबी क्रॉप्स क्या होती हैं तो अपन अगर ये जान लेंगे तो यूपीसी फिल्म में जो भी क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे तो अपन इजिली उसको सॉर्ट आउट कर पाएंगे राइट तो सबसे पहले अपन जानते हैं कि खरीफ क्रॉप क्या होती है ठीक है तो खरीफ क्रॉप्स आर ऑल्सो कॉल्ड मानसून क्रॉप्स बिकॉज दे आर यूजली सोन इन द मंथ ऑफ जून एंड अक्टूबर राइट तो आपको ये चीज समझ आ जानी चाहिए द मानसून मंथ्स आर रिगार्डेड एस आइडियल फॉर सीडिंग सिंस द क्रॉप्स नीड अ व ह्यूमिड टेम्परेचर फॉर जर्मिनेशन तो आप देखिए मानसून मंथ मुंस, इसके लिए बेस्ट होते हैं सीडिंग के लिए मतलब उगाने उगाने के लिए ठीक है मतलब जो अपन सीड को बोते हैं डिफरेंट टाइम इन द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ द कंट्रीज एग्जैक्ट वेरी फ्रॉम द स्टेट टू स्टेट, स्टेट, स्टेट तो ऐसा नहीं है कि खरीफ क्रॉप सिर्फ ए की टाइम में हो सकती है मतलब इस दिनों में ही हो सकती है स्टेट टू स्टेट अलग अलग सीजनस आते रहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग वेरी करता रहता है राइट सो मेजर क्रॉप्स प्लांटेड ड्यूरिंग दिस सीजन पैडी मेस ज्वार बाजरा तूर, मूंग, उरत कॉटन जूट ग्राउंडनट एंड एंड सोयाबीन तो ये सारे के सारे क्या हैं मेजर क्रॉप्स हैं राइट सो so, उसके बाद मैंने आपके थोड़ी सी फोटोज डाली है जिसे आप याद कर सकते हैं लाइक पैड़ी, सोयाबीन पिगन पी कॉटन पीस ग्रीन ग्राम तो आप ये देख सकते हैं कि खरीफ क्रॉप है अब यूपीएससी क्या करेगा बोल देगा कि इनमें से रबी क्रॉप्स कौन सी है राइट फिर वो बोल देगा आपको कि ग्रीन क्राम एक रबी क्रॉप है ठीक है तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए यू हमेशा इससे क्वेश्चन पूछता ही रहता है और वो आने वाले टाइम में भी पूछता रहेगा राइट वो कुछ कुछ साल छोड़ के पूछेगा लाइक 2013 में तो उन्होंने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा कि खरीफ क्रॉम्प कौन सी कौन सी होती है मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन था और चार ऑप्शन दे रखे थे राइट ठीक है तो एक बार मैं आपको रबी क्रॉप्स और खरीफ क्रॉप्स के बीच में डिफरेंस भी बतायाता हूँ कि उनके बीच में डिफरेंस क्या होता है राइट सो खरीफा मानसून क्रॉप्स जो होते हैं वो कब साउथ वेस्ट मानसून जब अपना आता है साउथ वेस्ट मानसून जब आता है तब ग्रो किए जाते हैं ठीक है लेकिन रबी क्रॉप्स कब ग्रो किए जाते हैं जब रिट्रीटिंग मानसून होता है नॉर्थ ईस्ट से रिट्रीटिंग मानसून होता है कौन सी साउथ ईस्ट से मतलब नॉर्थ ईस्ट से सॉरी साउथ ईस्ट नहीं नॉर्थ ईस्ट ठीक है तो उसके बाद जाके अगर अपन देखें कि इनको प्लांट कब किया जाता है तो मैंने आपको बताया कि अर्ली समर होते हैं अर्ली समर और जब रेन स्टार्ट होने वाली होती है तो ह्यूमिड क्लाइमेट ठीक रहता है एकदम ठीक है लेकिन ये कब प्लांट किए जाते हैं अप्रैल और मई में समर सीजन में मोस्टली ठीक है रबी क्रॉप्स ये रबी है ये खरीफ है ठीक है उसके बाद जाके क्या है ये रेनफॉल पैटर्न्स पैटर्न डिपेंड करते हैं ठीक है रेन इनको बहुत इफ़ेक्ट करती है लेकिन यहाँ पे रेन का इतना इफेक्ट नहीं होता राइट ठीक है चीज़ का ध्यान रखें आप ठीक है तो यहाँ पर कौन से कौन से राइस मीस पल्सेस सचस उरत मूंग दाल मिलट्स ये सब खरीफ क्रॉप्स हैं लेकिन यहाँ पे कौन से आ जाएंगे वीट ग्राम पीस बाड़े ये सब रबी क्रॉप्स हैं राइट यहाँ पे बहुत सारा पानी चाहिए होता है अपने को ग्रो करने के लिए ठीक है जिसके लिए अपन बोल रहे हैं कि रेन की जरूरत पड़ती है यहाँ पर क्या होता है वार्म क्लाइमेट चाहिए होता है सीड जर्मिनेशन के लिए ठीक है और कोल्ड क्लाइमेट चाहिए होता है क्रॉप ग्रोथ के लिए तो ये था कुछ खरीफ और रबी के बीच में डिफरेंसेस अगर यू पी सी इनमें से कोई क्वेश्चन पूछ ले तो डायरेक्टली आप आंसर कर सकते हैं राइट तो एक तो मैं आपको 2013 का प्लेम्स का क्वेश्चन बता देता हूँ तो उनका क्वेश्चन क्या था विच ऑफ दिस इज़ आर फॉलोइंग खरीफ क्रॉप्स राइट तो उन्होंने फर्स्ट पूछा था कॉटन सेकेंड पूछा था ग्राउंड नट थर्ड पूछा था राइस फोर्थ पूछा था व्हीट तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि इनमें से कौन से कौन से खरीफ क्रॉप्स हैं तो आपने यू पी वाई को सॉल्व कर लिया ठीक है तो अपन चलते हैं अपने अपन नेक्स्ट आर्टिकल पे सो so अपना नेक्स्ट आर्टिकल कहता है इन्फ्लेशन स्लिप्स टू एन एटीन मंथ लो ऑफ फोर पॉइंट सेवन परसेंट रीडिंग स्टेज बिलो आरबीआई टॉलरेंस ठीक है ये पूरी हेडलाइंस है आपकी ठीक है लास्ट अप्रैल प्राइसेस और पल्स सीरियल्स मिल्क मीनस तो आप देखिए कितना इफेक्ट आता है डायरेक्ट अगर कोई भी क्रॉप्स में अगर कल्टिवेशन कम हुई है या ज्यादा इंक्रीज हो रही है राइट तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि इन्फ्लेशन क्या होता है तो इन्फ्लेशन इज एज डिफाइंड एज एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ मोस्ट एवरीडे और कॉमन गुड्स एंड सर्विसेज सच एज फूड क्लोथिंग हाउसिंग रिक्रिएशन ट्रांसपोर्टेशन कंज्यूमर स्टेबल्स एंड सो ऑन तो इन्फ्लेशन क्या होता है इन्फ्लेशन वो होता है जो भी अपन अपने डेली यूज में सारे के सारे सामान यूज करते हैं अगर उनमें से कोई भी चीज़ों में प्राइस इंक्रीज हो रहा है राइट तो इन्फ्लेशन माना जाता है इन्फ्लेशन इज डिफाइंड एज द एजरेज चेंज इन द प्राइस ऑफ द बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर टाइम इन्फ्लेशन इज डिफाइंड एज अ ड्रॉप इन द परचेजिंग पावर ऑफ अर कंट्रीज करेंसी यूनिट तो अगर आपके प्लेस में क्वेश्चन आ जाए कि इन्फ्लेशन से परचेजिंग पावर कम होती है क्या कंट्री की तो बिल्कुल सही है आपकी परचेजिंग पावर जो एक डॉलर से आप पहले कितना खरीद सकते थे अब वही एक डॉलर से आप उतना नहीं खरीद सकते मार्केट में राइट तो ये तो अपन ने कुछ इन्फ्लेशन के बारे में जाना तो अब आप देख लेते हैं कि कितने टाइप्स के इन्फ्लेशन होते हैं सबसे पहले होता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन ठीक है जो कि डिमांड में एकदम इंक्रीज आने आ जाने से लेकिन सप्लाई कॉन्स्टेंट रहने से क्या होता है इसमें इंक्रीज़ आ जाती है प्राइस में तो कैसे हो सकता है जैसे पॉपुलेशन बढ़ गई तो पॉपुलेशन बढ़ गई तो एकदम डिमांड इंक्रीज हो गई ठीक है नेट एक्सपोर्ट्स ज़्यादा इंक्रीज़ होने लग गए तो इम्पोर्ट्स के लिए सामान कम पड़ गया ठीक है कोई ऐसी पॉलिसी आई जिसकी वजह से कोई प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ गई ठीक है गवर्नमेंट ने फिजिकल स्टिमुलस दिया तो एकदम सप्लाई तो कॉन्स्टेंट थी डिमांड एकदम लो थी लेकिन से फिजिकल स्टिमुलस से सबके पास पैसा आ गया तो एकदम डिमांड बढ़ गई चीज़ों की लाइट उसके बाद कॉस्ट इन्फ्लेशन क्या होता है ठीक है तो कॉस्ट इन्फ्लेशन में क्या हुआ एम्प्लॉय की सैलरी राइज करनी पड़ी तो एट लास्ट किस पे खर्चा आएगा एट लास्ट खर्चा आएगा अपने एम्प्लॉयर पे राइट सो रॉ मटेरियल की प्राइस इंक्रीज हो गई आगे से तो ऐट लास्ट अपने को प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज करनी पड़ेगी ठीक है फर्म का प्रॉफिट बढ़ रहा है मतलब उनको अपना प्रॉफिट इंक्रीज़ करने पड़ रहे हैं मार्जिन बढ़ाने पड़ रहे हैं उनकी एक्टिविटी सस्टेन करने के लिए तो उसकी वजह से कॉस्ट पे इंफेक्ट आता है ठीक है इम्पोर्ट प्राइसेस जो पहले अस्सी रुपये का आता था वो सौ रुपये का आ रहा है इम्पोर्ट तो अपने लिए महंगा हो गया ठीक है इंक्रीज इन इनडायरेक्ट टैक्सेस ठीक है पहले अगर दो रुपये टैक्स लगता था पहले इनडायरेक्ट टैक्स दो रुपए का लगता था अब तीन रुपए का टैक्स लग रहा है तो वो प्रोडक्ट जो पहले नौ रुपए का मिलता था वो दस का मिल रहा है राइट तो ये सारे के सारे डिमांड पुल और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है राइट सो अभी अपन देखते हैं कि सबसे पहले अपन इसको मैसे कौन से कौन से लेवल पे करते हैं मैंने आपके लिए आज ये साइड में चीजें नहीं लिखी हैं आपके लिए मैं नोट्स बना कर इसलिए लाया हूँ क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं रहती है आपको पढ़ाने के लिए अब अगर नोट्स नहीं होंगे तो आराम से स्पेड्स मिल जाती है नोट्स तो आपको आपके बुक्स में ही मिल जाएंगे लेकिन मेन काम है यहाँ पे समझाने वाला राइट सो so, अगर आपको मेजर करना है आप मुझे जरूर बताएं कि ये ज्यादा बेनिफिट करता है या आपको नोट्स ये वो ज्यादा बेनिफिट करेंगे मेरे हिसाब से नोट्स आपको बुक्स में मिल जाएंगे लेकिन आपको जो समझाने वाला काम है वो मैं इधर कर सकता हूँ सो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंज्यूमर लेवल पे जो भी इन्फ्लेशन मेजर किया जाता है वो इससे किया जा सकता है राइट होलसेल प्राइस इंडेक्स तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इनको निकालता कौन है राइट यूपी इस से इससे बड़ा इंटरेस्ट रहता है कि हाँ ये सारी चीजें पूछने में प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स होलसेल प्राइस इंडेक्स माने ये होता है कि होलसेल लेवल पे कितना इन्फ्लेशन चल रहा है ये रिटेल लेवल पे कंज्यूमर वाला राइट प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स मतलब जो डायरेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है मतलब फैक्ट्रीज पे जो प्रोड्यूस कर रहे हैं राइट ये तो अपन ने कुछ देखा कि कैसे कैसे इंडेसेस निकलते हैं कैसे कैसे अपन मेजर करते हैं कंज्यूमर लेवल पे होलसेल लेवल पे प्रोड्यूसर लेवल पे इसके अंदर भी सब कैटेगरीज होती हैं लेकिन अगर मैं उसमें जाऊंगा तो ये लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा इसलिए अपन उसमें नहीं जाएंगे अपन इसको ऊपर ऊपर से कवर करने की कोशिश करेंगे लेकिन आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होलसेल प्राइस इंडेक्स और प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स कौन निकालता है राइट तो अपन चलते हैं अपने अपन नेक्स्ट आर्टिकल पर मतलब नेक्स्ट आर्टिकल पर नहीं अपन थोड़ा सा इंपैक्ट देख लेते हैं और इसके पॉजिटिव uh, इम्पैक्ट में अगर मैं आपको बताऊं तो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होता है प्रॉफिट्स बढ़ते हैं प्रोड्यूसर के लिए ठीक है जो इन्वेस्टमेंट किया है उसका रिटर्न बेटर होता है ठीक तो है तो ये सारे के सारे ये हैं नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होते हैं तो कई बार तो इनकम नहीं बढ़ती लेकिन इन्फ्लेशन बढ़ता रहता है तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये करता है ठीक है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन से इनिक्वालिटी बढ़ती है ठीक है प्लानिंग में डिस्टरबेंस आ जाता है कई बार अपन फैमिली प्लानिंग करके चलते हैं कि अपन इस महीने में इतना खर्चा करेंगे राइट मतलब एक फैमिली प्लान्स बनाती है कि हाँ इस महीने में इतना बजट है लेकिन अगर थोड़ा सा भी प्राइस में इंक्रीज इधर उधर होता है तो सारे प्लान्स कई बार डिस्टर्ब हो जाते हैं राइट तो अपन कैसे इन्फ्लेशन को टारगेट कर सकते हैं या कितने टाइप्स के अपने इन्फ्लेशन होते हैं ये सारे के सारे एक लेक्चर बनाया जा सकता है अगर आप मुझे बोलेंगे तो मैं आपको बना दूंगा लेकिन मैं आपको एक डायग्राम बता देता हूँ जिससे अपन इन्फ्लेशन को मेज़र करते हैं फिलिप्स कर्व करके ठीक है तो फिलिप्स कप में क्या होता है फिलिप्स कप एक ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन होता है जो कि इन्वर्स रिलेशनशिप बताता है बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन ठीक है जितनी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रहेगी उतना ही हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन रहेगा इसमें ये कहा गया है ठीक है तो यहाँ पे इन्फ्लेशन है यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है तो इन्फ्लेशन आप ऐसे बना देंगे अनएम्प्लॉयमेंट आप ऐसे बना देंगे तो ये डायग्राम्स को आप डायरेक्टली अपने आंसर्स में यूज कर सकते हैं अगर इन्फ्लेशन अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड कुछ भी आ गया ठीक है तो आप डायरेक्टली इसको बता पाएंगे कि हाँ ये चीज होती है राइट तो अपन अब चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे अगर आपको डेली हर टॉपिक के साथ उसकी फिल्म के पी वाई क्यू चाहिए तो वो मैं आपके लिए कवर कर दूंगा लेकिन आपको उसको कमेंट सेक्शन में बताना पड़ेगा तो अपन देखते हैं कि सेंटर पेपर्स न्यू मॉडल प्रिजेंस एक्ट विद फोकस ऑन रिफॉर्म ठीक है तो सेंटर ने प्रफेर एप, किया है एक नया प्रिजन एक्ट लेके आने की कोशिश की जा रही है जो कि रिफॉर्म करेगा जो भी सारी अभी तक अपने पास लूप राइट तो एक रिसेंटली रिपोर्ट की गई थी नेशनल प्रिजन स्टेटिस्टिक्स इंडियन टू पब्लिश्ड बाय एनसीआरबी इन हाईलाइट ऑफ रीजन इन इंडिया द डाटा इज सेट टू एडवाटेजेशन इन गाइड पॉलिसी फ्रेमवर्क टवर्ड्स बैटर प्रीजन रिफॉर्म्स इन इंडिया तो आप ये देखिए कि ये रिपोर्ट ने कैसे बताया था कि प्रीजन रिफॉर्म्स को कैसे और अच्छा किया जा सकता है राइट तो इस रिपोर्ट की अपन डिटेल्स देखेंगे उसके बाद अपन कुछ क्या क्या अपन कर सकते हैं क्या क्या अपन ने अभी तक स्टेप्स लिए हैं या अपने क्या क्या कर लेना चाहिए था तो अपन वो सारी चीज़ों से रिलेटेड सारी चीज़ें देखेंगे सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि प्रीजन का कौन से स्टेट सब मतलब स्टेट में आता है कंट्री लिस्ट में आता है सेंट्रल लिस्ट में आता है तो रीजन एक स्टेट सब्जेक्ट है मतलब कि स्टेट सेंटर स्टेट ही लॉ बना सकता है ना कि सेंटर ज़्यादा इंटरफेयर कर सकता है राइट कोई भी चीज़ अगर स्टेट सब्जेक्ट होती है तो उस पर लॉ बनाने का अधिकार मोस्टली स्टेट का ही होता है राइट सो अपन की फाइंडिंग्स देख लेते हैं कि इस रिपोर्ट की की फाइंडिंग्स क्या है ठीक है जो अंडर ट्राइल्व पॉपुलेशन है इंडिया में वो सबसे हाईएस्ट है इन द वर्ल्ड तो आप ये देखिए अपने यहाँ इतने तो क्रिमिनल्स ही नहीं जितने अंडर ट्रायल्स अपने लॉकडअप हैं अंडर द जेल्स ठीक है ये रिपोर्ट ने हाईलाइट किया कि अभी तक फोर लैक थर्टी थ्री थाउजेंड पीपल हैं प्रिजन में उसमें सिक्सटी एट परसेंट अंडर ट्रायल्स हैं तो ये आपका डायरेक्ट की डायरेक्ट इफेक्ट बन जाता है कि आप कैसे इसको मीनस में में, से में लिखेंगे कि अगर आपको सिचुएशन देखनी हो तो इतने पीपल अरेस्ट होने के बाद भी अपन सेवेंटी परसेंट अंडर ट्रायल्स हैं मतलब कि अपन उनके साथ ठीक नहीं कर रहे हैं राइट दिस सजेस्ट द हाई प्रोपोर्शन ऑफ अंडर ट्रायल्स इससे क्या होता है कि एक ओवर पॉपुलेशन दिखती है कि जेल्स में ओवर पॉपुलेशन हो रही है राइट अंडर ट्रायल्स कौन होते हैं अगर आप मुझसे ये पूछे तो अंडर ट्रायल्स अंडर ट्रायल्स वो होते हैं जो कि अपने गिल्टी के लिए फाउंड नहीं हुए हैं मतलब उन्होंने उनके ऊपर इंजाम है लेकिन अभी तक वो प्रूव नहीं हो पाया राइट right? ठीक है तो इससे रिलेटेड कुछ और लॉज हैं क्या तो एक प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है ठीक है वो क्या करता है कि अगर आप उनको लगता है कि आप पब्लिक ऑर्डर बिगाड़ने वाले हो तो वो आपको पहले ही डिटेन कर लेते हैं मतलब आपको एक हाउस जेल कर देते हैं या कई बार आपको जेल में भी रखते हैं कि आप कोई मिसशिप क्रिएट ना कर पाओ राइट तो आपको प्रिवेंटिव इंटेंशन ध्यान होना चाहिए इससे कौन सा रिलेटेड आर्टिकल है आर्टिकल ट्वेंटी वन या ट्वेंटी टू ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे राइट सो तो अपन चलते हैं आप कि चलो अपन ने थोड़ा सा ही रिपोर्ट के बारे में देखा अपन ये देख लेते हैं कि अपन को मॉडर्नाइजेशन करने की क्यों जरूरत है क्योंकि कई बार अपन ये देखते हैं कि अपना जो जील्स हैं वो मोस्टली कॉलोनियल एरिया से ही चलते आ रहे हैं ठीक है तो कॉलोनियल एरिया से चलते आ रहे हैं तो फिर आज का टाइम अलग है तो अपने को आज के अकॉर्डिंग लॉस बनानी चाहिए राइट तो ये तो कुछ अपने चैलेंजेस हैं कि हाँ ठीक है एक ओवर पॉपुलेशन है ठीक है काफ़ी मैनेजमेंट की कमी है काफ़ी जो उनका रिहेबलेशन भी नहीं होता है तो ये सारे के सारे आपके चैलेंजेस में काउंट होंगे फिर अपन देखते हैं कि ठीक है एक ओपन प्रिजन का कॉन्सेप्ट होता है अपन आज तक लोगों को क्लोज प्रिजन में रखते आए लेकिन एक ओपन प्रिजन का कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप उनको एक ओपन एरिया में घूमने की आज़ादी दो लेकिन हाँ उससे बाहर ना जाने दो राइट तो ये इन्होंने बताया था नेल्सन मंडेला के रूल्स में बताया गया था कि हाँ अगर आपको प्रेजेंस को ट्रीट करना है तो इज अ बेटर वे टू ट्रीट राइट मेनली प्रजेंस का काम ये होना चाहिए कि वो कैसे लोगों को रिहेबिलेट कर पाएं ईजिली और अच्छे मैनर्स में हाँ लेकिन उनके पनिशमेंट देने के साथ राइट लेकिन अपन आज सिर्फ उनको पनिश करते हैं आज अपन उनको रिहेबलेट नहीं करते हैं अगर आप वो पंद्रह साल जेल में रह के आया तो वो आने वाले सोसाइटी में एडजस्ट नहीं कर पाते हैं राइट सो so, इसके लिए काफ़ी सारी कमिटीज़ बनी हैं एक थी प्रकाश सिंह कमेटी ठीक है काफ़ी सारे लॉ कमीशन की रिपोर्ट हैं वो डायरेक्टली डायरेक्ट आप अपने आंसर्स में यूज़ कर सकते हैं राइट तो अपन चलते हैं अपन अपने नेक्स्ट आर्टिकल पर सो so, अपना नेक्स्ट आर्टिकल कहता है गैप्स इन मस्ट सिक्योर वुमेन वर्क स्पेस एस सी की स्टेटमेंट है तो अपन अब ये देख ही रहे थे काफ़ी दिनों से कि रेस्टल की कैसे फाइट चल रही है अपनी राइट तो आज सुहास पॉश एक्ट न्यूज़ में आया है तो अपन पॉश एक्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं ठीक है सो अपने पेरेंट्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है आर्टिकल नाइनटीन राइट टू तो इन्फॉर्मेशन प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट सेक्शुअल अग्रेसमेंट एक्ट एंड इट्स क्रिटिसिज्म वर्क स्पेस वर्क स्पेस डायरेक्टली आपके एथिक्स का जी एस फोर का टॉपिक है जहाँ पर आप वर्क कल्चर के बारे में बात करते हैं राइट तो इन चीज़ों को आप डायरेक्टली कनेक्ट करिए क्योंकि जो भी आप चीज़ पढ़ रहे हैं मैं आपको शुरुआत से बता रहा हूँ कि अगर आप कनेक्ट नहीं करेंगे तो वो चीज़ आपके लिए इरेवेंट हो जाएगी मतलब आपने पढ़ा लेकिन आपको को उसका यूज़ नहीं हो पाया राइट सो अपन अब देख लेते हैं थोड़ा सा इस एक्ट के बारे में राइट सेक्शुअल प्रोडक्शन एक्ट क्या कहता है ये किस एक्ट के बाद आया ये आपने आया था विशाखा गाइडलाइंस के बाद विशाखा गाइडलाइंस के बाद पोष एक्ट को बनाया गया ठीक है तो इसका मैकेनिज्म क्या है प्रोवाइड क्या करता है आपको ये बोलता है कि जो भी एम्प्लॉयर है ना उसको क्या करना पड़ेगा इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी बनानी पड़ेगी हर ऑफिस या ब्रांच पे अगर उसके बाद दस से ज़्यादा एम्प्लॉयज हैं तो ठीक है तो क्या बनेगी इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी ठीक है तो कमेटी के पास क्या होंगी पावर होंगी सिविल कोर्ट की तो आप सोचिए कितनी बड़ी पावर है ठीक है जो कंप्लेन कमेटी होगी उसको कंसिलेशन बताना पड़ेगा मतलब कंसिलेशन करा सकती है ठीक है बिफोर इनिशिएटिंग एन इंक्वायरी इफ रिक्वेस्टेड बाय द कंप्लेनेंट तो अगर कोई कंसिलेशन प्रोवाइड कराना है अगर कोई कंप्लेन नहीं हुई ऑफिशियली तो कंसिलेशन भी कराने की कोशिश की जा सकती है राइट सो so, कोई प्रिमिनल प्रोविजन है क्या अगर कोई प्रिमिनल मतलब अगर फॉलो नहीं किया जाता है ये एम्प्लॉयर के द्वारा तो उनको फाइन किया जा सकता है राइट अगर रिपीटेड यही चीज़ होती रहती है तो उनका कैंसिलेशन भी किया जाकर किया जा सकता है लाइसेंस का ठीक है लेकिन चलो ये तो अपन ने देखा कि अपन ने एम्प्लॉयर के ऊपर डाला तो अपन ने कुछ ये देखा है क्या कि एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेशन की भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए ना तो एडमिनिस्ट्रेशन को भी एक लोकल कंप्लेंट कमेटी बनानी है जहाँ पे अगर कोई अनऑर्गनाइज सेक्टर या स्मॉल स्टैब्लिशमेंट है तो वहाँ पर वो ईजिली आके अपनी डिटेल्स को लिखवा पाए और ईजीली सोल्यूशन पा पाए राइट सो so, लेकिन अपन ये देखते हैं कि इतने सारे लॉज हैं लेकिन इसकी इंप्लीमेंटेशन ही नहीं हो पाते हैं इसकी इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पाते हैं तो ये लॉज के लॉज बने रह जाते हैं ठीक है सो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन ने क्या किया था लॉन्च किया था शी बॉक्स शी बॉक्स में क्या था एक सिंगल विंडो थी सिंगल विंडो किसके लिए थी टू एक्सेस टू एवरी वुमेन भले वो ऑर्गेनाइज हो अनऑर्गेनाइज हो प्राइवेट हो पब्लिक सेक्टर हो या कोई भी कंप्लेन फेस कर रहे हो राइट तो उसके अगेंस्ट वो शी बॉक्स में डायरेक्टली एक लेटर भेज सकते थे इंक्वायरी कौन करते हैं डायरेक्ट डायरेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट राइट सो ये तो मैंने आपको कुछ बताया कि गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स ले रखे हैं अब अब तो अपन थोड़ा सा वे फॉरवर्ड देख लेते हैं कि वे फॉरवर्ड में अपन क्या क्या बता सकते हैं उनको ठीक है तो वे फॉरवर्ड में आप, आप लिख सकते हो जे एस वर्मा कमिटी रिकमेंडेशन राइट तो एम्प्लॉयमेंट का ट्रिब्यूनल होना चाहिए मतलब कि जो एम्प्लॉय कर रहा है वो ट्रिब्यूनल क्रिएट करेगा ठीक है मतलब लाइक जैसे कि इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी के अगेंस्ट एक ट्रिब्यूनल वर्क करेगी जहां पे आप इजीली सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट कर पाओगे राइट सो so, ट्रिब्यूनल में आपने देखा जैसे कि ट्रिब्यूनल्स काफ़ी रिस्ट्रिक्ट की जाती हैं कि हाँ छह महीने में आपको डिसीजन देना है एक टाइम बाउंडेशन होनी चाहिए डिसीजन में जब भी आपका लॉ इफेक्टिव बनता है राइट सो so, डोमेस्टिक वर्कर्स को भी एक स्कोप में लाना चाहिए क्योंकि अपन सिर्फ जो वर्क को ला रहे हैं जो वुमेंस बाहर जाके वर्क कर रही है डोमेस्टिक वर्कर्स को कौन इंक्लूड करेगा डोमेस्टिक वर्कर्स के साथ भी तो सेक्सुअल हेरासमेंट और ये सारी चीज़ें हो सकती हैं राइट तो उनके लिए भी अपने को वर्क करना चाहिए आप ये आंसर्स को डायरेक्टली आप अपने मीन्स के आंसर में यूज़ कीजिए कि की हाँ वे फॉरवर्ड्स में आप डाल सकते हैं कि कोई भी चीज़ है तो उसको आप ब्रॉड करने की कोशिश कीजिए ठीक है एक ऐसा प्रोसीजर कीजिए जो ट्रांसपेरेंट हो ठीक है उसके बाद आप रिस्पॉन्सिबिलिटी डेजिग्नेट कीजिए लोगों की तो वो ईज़िली उस चीज़ को लेके रिस्पॉन्सिबल बनेंगे राइट तो ये था कुछ पॉस्ट एक्ट के बारे में लेकिन आपको इसके बारे में थोड़ी चीज़ें और ध्यान होनी चाहिए जो आप स्टैटिक पढ़ेंगे तो आपको ईजिली ध्यान हो जाएगी राइट तो अपन चलते हैं अपन अपने, अपने नेक्स्ट आर्टिकल पर सो अपना नेक्स्ट आर्टिकल कहता है डायग्नोस्टिक इमेजिंग ऑफ द राजस्थान राइट टू हेल्थ एक्ट ठीक है तो राइट टू तो हेल्थ एक्ट काफ़ी टाइम न्यूज़ में रहा अभी इसको लेके काफ़ी सारे प्रोग्राम्स से ऑर्गेनाइज किए गए या, या दंगे भी हुए दो एक दो जगह पे ठीक है दंगे नहीं कहेंगे मोस्टली लेकिन हाँ थोड़े तो से स्ट्राइक्स वगैरह हुई थी ठीक है तो अपन अब देखते हैं कि राइट टू हेल्थ क्या होता है ठीक है और राइट टू हेल्थ इतना अपने लिए जरूरी क्यों है कि मैंने आपको थोड़े दिन पहले जब ताइवान के कनेक्टिविटी एक क्वेश्चन आया टॉपिक टौ, आया था जब भी मैंने आपको कवर किया था तो आज एक बार और देख लेते हैं सो so, राइट टू हेल्थ एस विद अदर राइट्स इंक्लूडेड बोथ फ्रीडम्स एंड एंटेलमेंट तो राइट टू हेल्थ क्या होता है फ्रीडम होती है आपकी कुछ इंटरटेलमेंट्स होती है तो उसके बारे में बात करता है ठीक है तो फ्रीडम इंक्लूड द राइट टू सेंट्रल वन हेल्थ एंड बॉडी सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव टू बी फ्री फ्रॉम इंटरफेरेंस फॉर एग्जांपल फ्री फ्रॉम टॉर्चर एंड नॉन कंसेंटेड मेडिकल ट्रीटमेंट एंड एक्सपेरिमेंटेशन सो राइट टू हेल्थ में क्या होता है आपके पास फ्रीडम होती है कि आप अपने बॉडी का कंट्रोल ले सके ठीक है एंटाइटलमेंट्स क्या होते इंक्लूड द राइट टू सिस्टम ऑफ हेल्थ प्रोटेक्शन दैट गिव्स एवरीवन एन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू द हाईएस्ट अचीवेबल ऑफ हेल्थ एंटाइटलमेंट्स मतलब सबको एक सेम हेल्थ प्रोटेक्शन दिया जाए जिससे कि वो अपनी डायरेक्टली काफ़ी सारी चीजें अचीव कर पाएँ तो अपन ये देखते हैं कि कुछ प्रोविजन हैं क्या इससे रिलेटेड राइट टू हेल्थ से रिलेटेड right तो बिल्कुल कुछ प्रोविजन हैं जो अपने को डायरेक्टली हेल्प आउट कर सकते हैं राइट सो इंडिया सिग्नेटरी है यूनिवर्सल डिक्लेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स तो उसका आर्टिकल ट्वेंटी फाइव डायरेक्ट रिलेटेड अपने लिविंग एडुकेट फॉर दफ़ लिविंग एडुकेट फॉर द हेल्थ एंड वेलबिंग टू ह्यूमस इंक्लूडिंग फूड क्लोथिंग हाउसिंग मेडिकल केयर एंड सोशल सर्विसेस राइट necessary, necessary right? तो उसके बारे में बात करता है तो इंटरनेशनल कन्वेंशन यूनिवर्सल डिक्लेन ठीक है ऑफ ह्यूमन राइट आर्टिकल ट्वेंटी फाइव ठीक है तो ये किसके बारे में बात करता है ये अपने को बात करता है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छी ऐसी होनी चाहिए कि जो हेल्थ और वेलबींग well मेंटेन करके रख रह सके राइट सो फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल ट्वेंटी वन राइट टू हेल्थ आपकी फंडामेंटल राइट right है तो अगर आपको कोई वो एक्सप्लोइट करता है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं डी ठीक है ऐसे काफ़ी सारे डी पी हैं लाइक थर्टी एट थर्टी नाइन फोर्टी टू फोर्टी थ्री फोर्टी सेवन वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट पे बाउंडेशन क्रिएट करते हैं या पार्लियामेंट पे बाउंडेशन क्रिएट करते हैं कि आपको राइट टू हेल्थ से रिलेटेड लॉस बनानी चाहिए राइट तो अगर कोई जुडिशल प्रोनाउंसमेंट है क्या तो एक पश्चिम बंगाल की तरह मजदूर समिति केस था 1996 का वहाँ पे बताया गया कि गवर्नमेंट को एक प्राइमरी ड्यूटी है कि राइट टू हेल्थ सबको मिलना चाहिए राइट ये तो मैंने आपको ठीक केस बताया लेकिन अगर आपको कोई लैंडमार्क जजमेंट लिखना हो तो परमानंद कतरा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया नाइनटीन ठीक है तो वहाँ पर क्या बताया गया ठीक है कि कोई भी गवर्नमेंट डॉक्टर हो या कुछ भी हो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो राइट एवरी डॉक्टर वेदर एट अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल और अदरवाइज ठीक है उनको क्या करना पड़ेगा उनको अपनी एक्सपर्टीज प्रोवाइड करानी पड़ेगी किसी की भी लाइफ बचाने के लिए ठीक है तो ये क्या होगा परमा नंद कटारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1989. ठीक है तो एक, एक, एक लैंडमार्क जजमेंट दिया था ठीक है तो अपन हम इसकी सिग्निफिकेंस देख लेते हैं इसकी सिग्निफिकेंस क्या है ठीक है तो अपने को हेल्थ केयर सर्विसेज की वाइड एक्सेस मिलेगी अगर राइट टू हेल्थ सबको मिल जाएगा तो ठीक है सब जन एक्सेस कर पाएंगे आज काफ़ी जने एक्सेस ही नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनको अपने राइट्स के बारे में पता ही नहीं है और अपने आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जो अपने यहाँ पे इंडिया में सबसे ज़्यादा होता है जब भी मेडिकल का खर्चा आता है तो ईजिली रिमूव कम हो पाएगा राइट तो अगर अपन को चैलेंजेस देखें तो अपने पास क्या क्या चैलेंजेस हैं तो अपने पास एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है ठीक है उसके बाद जाके अपने पास डिजीज़ बर्डन काफ़ी है जैसे कि अपन देखते हैं कि अपन ट्यूबर क्लॉसेज डायबिटीज़ मलेरिया एच एड्स ये सारे के सारे शिकार हैं अपन ठीक है तो ये काफ़ी चीज सारी चीज़ें अपने को डायरेक्टली इम्पेक्ट करती है अपने पास जो अपन जी का कंट्रीब्यूट करते हैं हेल्थ सेक्टर को लेके वो बहुत कम है तो अपने को वो एक चैलेंज क्रिएट करता है तो अपने को जैसे अब मैं अगर आपको वे फॉरवर्ड बताऊँ तो आ, आप इन सारी चीज़ों को वे फॉरवर्ड में बस चेंज करके लिख दीजिएगा थोड़ा सा टोन चेंज करके राइट तो आप इजीली अपने आंसर्स को बना पाएंगे आप सारी चीज़ें याद करने के लिए ना जाएं अगर आप सारी चीज़ों को याद करने जाते हैं तो आपके लिए काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि आप एक टाइम बाद भूल जाएंगे तो ठीक है आप काफ़ी चीज़ों को ट्विक करके सेम चीज़ों को लिखने का तरीका सीखिए राइट तो वो आपको आने वाले टाइम में बहुत हेल्प करेगा अपन अब चलते हैं अपने मेन्स के क्वेश्चन पे तो अपना मेन्स का क्वेश्चन कहता है डू यू एग्री विद द व्यू दैट स्टी जी ग्रोथ एंड लो इन्फ्लेशन है फ्लेफ्ट द इंडियन इन गुड शेप गिव रीजन्स इन सपोर्ट ऑफ योर आर्ग्यूमेंट्स तो आप ये बताएं कि स्ट्री जी डी पी ग्रोथ मतलब जी डी पी ग्रोथ बहुत धीरे धीरे हो रही है और लो इन्फ्लेशन ने अपनी इंडियन इकोनॉमी को एक अच्छी शेप में छोड़ा है तो आप बताएं कि क्या आपके आर्ग्यूमेंट्स हैं इनके सपोर्ट में हाउ इज द इम्पोसेंस ऑन सर्टन ग्रॉप्स ब्रॉट अबाउट चेंजेस इन क्रॉपिंग पैटर्न इन रिसेंट पासबरेट द इम्पोसेंस ऑन मिलेट प्रोडक्शन एंड द कंजम्पन तो टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री में इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलिट्स बनाया गया है ठीक है तो प्लिन में पूछा जाएगा मेन्स में पूछा जाएगा ये आप लिख के ले लीजिए राइट लिख के ले लीजिए मतलब कि श्योरिटी है नाइन्टी परसेंट पूछा ही जाएगा राइट सो आप इन दोनों के आंसर लिखने की कोशिश कीजिए अगर आप लिख पाते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए मैं आपको उसका रिव्यू प्रोवाइड कर दूंगा राइट आपको अगर इसका पीडीएफ का लिंक चाहिए ठीक है तो वो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम में टेलीग्राम का लिंक चाहिए तो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन जो कि इस वीडियो के नीचे प्रोवाइड किया गया है ठीक है तो अपन ऐसे ही मिलते रहेंगे चौदह मई को ऑडिटोरियल्स के साथ